नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और सीनियर भारत के खास कार्यक्रम हेल्थ पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अलग अलग बीमारी की चर्चा करते हैं और आपको मिलाते हैं अनुभवी डॉक्टर से, जो बताते हैं उन बीमारियों के लक्षण क्या हैं, उपाय क्या हैं, सावधानियां क्या हैं। आज के समय में जो महत्वपूर्ण बीमारी का हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है ब्लड प्रेशर। बीमारी कहें या दर्द कहें या सावधानी कहें, चलन में है। और हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो अधिकांश लोग ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं, इलाज भी कराते हैं। और ब्लड प्रेशर केवल ब्लड प्रेशर ही नहीं होता है बल्कि तमाम और बीमारियों को जन्म भी देता है। इसके साथ साथ आपकी शरीर की तमाम तरह की जो व्याधि हैं वो भी इस ब्लड प्रेशर से जुड़ी होती हैं। चर्चा विषय महत्वपूर्ण है और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बेल केयर हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर अनुपम सिंह चौहान। जानेंगे ब्लड प्रेशर, क्या ब्लड प्रेशर है और कैसे होता है और कैसे अनुमान लगाएं कि ब्लड प्रेशर हो रहा है और इससे जो मरीज है वो पीड़ित हो चुका है। ब्लड प्रेशर देखिए, एक तरह से जो प्रेशर है, प्रेशर तो सब लोग समझते हैं दबाव, ठीक है। तो दबाव का मतलब ये होता है कि हमारा जो हृदय है, मतलब हमारा हार्ट जो है, वो कितनी ताकत से पंप कर रहा है ब्लड को पूरे शरीर में। जब वो प्रेशर नलिकाओं में बढ़ जाता है, यानी कि वेसल्स में बढ़ जाता है, तो उस प्रेशर के बढ़ने को ही हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब ब्लड प्रेशर के कारण कई हो सकते हैं, कभी अनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं, कभी हमारा जो खान पान है या हम लोग की जो लाइफस्टाइल है वो भी इसका काफ़ी जिम्मेदार होती है। ब्लड प्रेशर में दिक्कतें ये होती हैं जिसे आप सावधानी रख सकते हैं कि अपने खान पान को अच्छा रखें, नियमित रूप से व्यायाम करें या टहलें, या खाने में आप नमक का उपयोग थोड़ा सा कम करें, मात्रा थोड़ा सा सही रखें खाने में। और साथ साथ जो बाहर के जो खाने हैं, विशेष तौर पे जो जंक फूड है जो बच्चे आजकल खाते हैं, या बाहर के जो खाने हैं जिनमें तेल ज़्यादा होता है या नमक ज़्यादा होता है, जिसमें स्वाद आप लोग को अच्छा मिलता है, तो वो चीज़ें ऐसी होती हैं जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं और बिल्कुल बढ़ाती हैं। ब्लड प्रेशर अकेले आपके सिर्फ नलिकाओं में यानी वेसल्स में प्रेशर नहीं बढ़ाता है, इसके अलावा वो और भी बीमारियों को जन्म देता है, जैसे कि आपके हृदय रोग, आपके गुर्दे के रोग, और इसके साथ साथ आपके ब्रेन में भी दिक्कतें देता है, मतलब दिमाग में भी दिक्कतें देता है। ब्लड प्रेशर 80% ब्रेन हेमरेज जो होते हैं उनका कारण ब्लड प्रेशर ही होता है, जिसमें दिमाग में कोई भी नस जो कि खून ले जा रही है वो फट जाए तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर, मतलब उसका कारण ही ब्लड प्रेशर है। अब उसमें सावधानियां ये रख सकते हैं कि आप अपना, जिनको ब्लड प्रेशर है, आप अपना नियमित रूप से ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहें, खाना पीना अपना सही रखें, और अगर आपको बीमारी है तो उस बीमारी को नकारिए नहीं। हम बार बार लोगों से यही कहते हैं कि बीमारी आपके हिसाब से नहीं चलेगी, आपको बीमारी के हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं। तो हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि ब्लड प्रेशर वाले लोगों को विशेष तौर पे अपने खान पान पे ध्यान देना होता है और साथ में दवाई नियमित रूप से लेनी होती है। अगर आपको पता है कि आपका ब्लड प्रेशर है और अगर आप दवाई लेते हैं तो आप दवाई छोड़ नहीं सकते, ये चीज़ का ध्यान रखिए। लोगों को ये लगता है कि अगर हम दवाई खाएंगे तो हम इसके आदि बन जाएंगे, लेकिन हमारा कहना ये है कि अगर आप दवाई खा के अपनी जान बचा रहे हैं, एक छोटी सी गोली खा के अगर आपकी जान बचती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसके अलावा लोगों में एक चीज़ की और भी है कि जैसे ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो वो नमक चीनी का घोल बना के पिला देते हैं, जो कि बहुत गलत है, ये चीज़ सही नहीं है। इस तौर पे, विशेष तौर पे हम इस पे इसलिए बोलना चाहें, ये मिथ है एक तरह का कि जैसे ब्लड प्रेशर लो हुआ तो ढेर सारा नमक घोल के और वो पिला दिया, वो नहीं सही चीज़ है। आप नॉर्मल कोई भी एक नॉर्मल पानी पिला दीजिए, उसमें एक चुटकी नमक डाल दीजिए, उससे भी आपका ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल आ सकता है अगर ब्लड प्रेशर लो है तो। लेकिन लोग चम्मच चम्मच भर के भी नमक डाल के पिला देते हैं जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जो कि नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाता है, और ये चीज़ अच्छी नहीं होती है, ठीक है। और इसके अलावा दिवाली पे बहुत सारे लोगों के अंदर में ये होता है कि हम
थोड़ा खान पान में मतलब लापरवाही कर जाते हैं, यानी कि त्यौहार के समय में लोग लापरवाही कर जाते हैं, कभी जो लोग व्रत रखते हैं वो लोग लापरवाही कर जाते हैं, या कभी लोग भूल जाते हैं कि हाँ हमको दवाई खानी है या हम दवाई खाए हैं कि नहीं खाए हैं। तो इन सब चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है कि अपने खान पान पर और अपनी दवाई, इन दोनों पर ध्यान दें तो ही आप ब्लड प्रेशर से आप लड़ाई लड़ सकते हैं। अमूमन कितना होना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड होता है जिससे हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है? ब्लड प्रेशर का जो पहले का जो गाइडलाइन था उसमें 130/90 ये अपर ब्लड प्रेशर की लिमिट थी, लेकिन अब WHO की जो रीसेंट गाइडलाइन आई है उसके हिसाब से 140/90 भारतीयों का ब्लड प्रेशर हो सकता है, जो कि नॉर्मल है, जिसमें कि कोई भी किसी भी प्रकार की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नहीं मिलती हैं, नहीं देखने को मिलती हैं। और ये विशेष तौर पे WHO ने ये एशियन जो रीजन है यानी एशिया के जो रहने वाले लोग हैं ये उनके लिए बताया है, विशेष तौर पे भारतीयों के लिए कि 140/90 हमारा BP है ये नॉर्मल है, इसके ऊपर अगर BP बढ़ता है तो इसका मतलब आपको ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर की तमाम बातें आपने बताई। अमूमन कितने उम्र के लोगों को होता है, बच्चों में भी होता है क्या, या इतनी उम्र के बाद लोगों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए? देखिए आजकल का जो चलन है, हालांकि ब्लड प्रेशर लोग कहते थे पहले कि 40 के ऊपर ब्लड प्रेशर होता है, लेकिन अब ये सब चीज़ें मतलब पहले की बातें हो गई हैं। जो प्रेजेंट टाइम में जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं उसमें यही देखने को मिल रहा है कि उम्र से कोई लेना देना नहीं है, बच्चों को भी ब्लड प्रेशर हो सकता है, बड़े लोगों को भी ब्लड प्रेशर हो सकता है, उम्र का अब कोई विशेष वो नहीं रह गया है, बाउंडेशन या बाउंड्री नहीं रह गई है। ये चीज़ मतलब लोग सोचते हैं कि अरे हम 30 साल के हैं तो हमको ब्लड प्रेशर नहीं होगा, नहीं, बिल्कुल हो सकता है ब्लड प्रेशर आपको, ठीक है। आप नियमित रूप से अपना, अगर आपको सिर में दर्द रहता है या चक्कर आते हैं या आँखों में धुंधलापन आता है देखने में किसी चीज़ को, तो आप अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाएँ, ये चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखना होता है। अगर अचानक से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर कम भी होता है और ज़्यादा भी होता है, ये कैसे समझ में आएगा कि ब्लड प्रेशर हमको ज़्यादा हो रहा है? यानी अगर चेक नहीं करा पाए, डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं, अचानक हमको समस्या होने लगती है, तो ये कैसे हम अंदाज़ लगाएंगे कि हमको लो ब्लड प्रेशर है या हमको हाई ब्लड प्रेशर है? देखिए इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना तो थोड़ा कठिन है। देखिए तेज़ ब्लड प्रेशर में आपको जब यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा तब उस समय में आपको सबसे ज़्यादा जो दिक्कत वाली चीज़ होगी वो है सिर दर्द, बहुत तेज़ सिर दर्द होगा, ठीक है, और आपको उल्टियां भी हो सकती हैं उस सिर दर्द के कारण। हाँ, इसके अलावा अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है तो लो ब्लड प्रेशर में आपको सुस्ती आएगी, चक्कर आएंगे, शरीर से पसीना छूट सकता है और थकान जैसा लग सकता है कि हाँ मेरे शरीर में कोई ताकत नहीं रह गई है। ये मतलब उन लोगों के लिए बता रहे हैं जिनको कि एक मतलब अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई है या लो है, लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल मतलब पत्थर की लकीर नहीं हैं कि हाँ ये होगा तो इसका मतलब ब्लड प्रेशर लो है या ये होगा तो इसका मतलब ब्लड प्रेशर हाई है। ये सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि बिना ब्लड प्रेशर को चेक किए ये नहीं बताया जा सकता कि ब्लड प्रेशर लो है कि हाई है। लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर कितना खतरनाक है, कितना परसेंट यहाँ पर हम मान सकते हैं कि अगर ध्यान नहीं दिया तो इंसान की मौत तक हो सकती है? देखिए लो और हाई ये दोनों ही चीज़ें खतरनाक हैं, ज़्यादा खतरनाक है लो होना। लो ब्लड प्रेशर होने से आपका ब्रेन कोमा में जा सकता है हमेशा के लिए, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात होती है। लो ब्लड प्रेशर होने से आपके गुर्दे खराब हो सकते हैं हमेशा के लिए। हाई ब्लड प्रेशर में दिक्कत क्या होती है, हाई ब्लड प्रेशर भी यही चीज़ें करता है लेकिन इसमें बचने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब 2-4% ज़्यादा होती है, लेकिन अगर पूछा जाए कि ज़्यादा खतरनाक कौन सा ब्लड प्रेशर होता है तो वो लो ब्लड प्रेशर है जो कि ज़्यादा ख़राब होता है। आपने ब्रेन हेमरेज की बात की, ब्रेन हेमरेज माइनर भी होता है, बड़ा भी होता है, तो कैसे अंदाज लगाएंगे कि इनको हेमरेज हुआ है? कई बार हमने देखा है कि लाइट हेमरेज भी होता है, कैसे अंदाज लगाते हैं? ब्रेन हेमरेज का देखिए ऐसा है कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है, अक्सर ब्रेन हेमरेज ब्लड प्रेशर से ही होता है, ठीक है, तो अगर किसी को ब्रेन हेमरेज हुआ है तो पहली चीज़ तो मरीज अपने होश में नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए अगर वो होश में होता भी है तो उसका शरीर का कोई हिस्सा काम नहीं करेगा,
जिसको आजकल के टाइम में लोग पैरालिसिस बोलते हैं, फालिस बोला जाता है जिसको। तो अगर किसी साइड में ब्रेन हेमरेज होता है तो उसके अपोजिट साइड में यानी कि उसके दूसरे साइड में उस शरीर का वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है, हाथ या पांव या दोनों ही। ब्रेन हेमरेज को हम इससे पहचान सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर है और कोई अगर मेजर ब्लड वेसल दिमाग में फट जाती है तो उसके कारण जो ब्रेन हेमरेज होता है वो बहुत ख़तरनाक होता है, जानलेवा भी होता है। मान के चलिए लगभग 30% लोग उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते हैं जब बड़ा ब्रेन हेमरेज होता है। और ऑपरेशन के बाद भी और बाकी सब चीज़ें होने के बाद में भी पैरालिसिस के ठीक होने की जो संभावना है वो भी बहुत अच्छी नहीं होती है। एक बात थी कि जानकारी मिलती है कि कई बार हेमरेज हुआ है और आँखों के साइड में, पुतलियों के साइड में ब्लैक रेडनेस हो जाती है, हल्का हल्का सा लग रहा है खून उतर आया हो, तो ये भी क्या मान सकते हैं, ये भी हेमरेज ही है? हाँ, इसको भी हम हेमरेज ही कहेंगे। अच्छा। शरीर में किसी भी प्रकार का रक्त स्राव यानी कि ब्लीडिंग, उसको हम हेमरेज ही बोलते हैं। अब अगर वो ब्रेन में होता है तो हम उसको ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। अगर आँखों में होगा तो आँख के जिस हिस्से में होगा, अगर बाहर की तरफ में है तो कंजेक्टाइवल बोलेंगे, रेटिना में है तो रेटिनल बोलेंगे। जी, वो हेमरेज ही है। कितना खतरनाक है वो? अगर बाहर कंजक्टाइवा पे है तब तो इतना खतरा नहीं है, लेकिन अगर वो रेटिना पे है तो वो ज़्यादा खतरनाक है। रेटिना पे अगर हेमरेज होता है यानी आँखों के जब पर्दा जहाँ पे हमारी चित्र बनता है, इमेज बनती है, अगर वहाँ पे हेमरेज हो जाए तो उसका मान के चलिए कि खतरे की घंटी है। उससे आपका कंप्लीट या पार्शियल ब्लाइंडनेस होती है और जो कि परमानेंट होती है, मतलब ज़िंदगी भर के लिए होगी। उसका कोई अभी विशेष तौर पे कोई इलाज भी नहीं है, क्योंकि बहुत महीन वेसल्स होती हैं, बाल बराबर पतली वेसल्स होती हैं, उनका कोई उपचार अभी तक में पूर्ण रूप से संभव नहीं है। कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि दवा खाना ही विकल्प नहीं होता है, सुरक्षित कैसे रखें कि हमको बीपी की समस्या कम हो, तनाव कम लें, या तमाम जो चीज़ें बताई जाती हैं, आपकी राय में ब्लड प्रेशर को कैसे हम अपना नियंत्रित कर सकते हैं? ब्लड प्रेशर नियंत्रण करने के लिए बहुत आसान सी चीज़ें हैं। आप खान पान पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। आप अपने खाने में जितना फाइबर लेंगे, आप अपने खाने में जितना नमक कम लेंगे, आपका ब्लड प्रेशर उतना अच्छा रहेगा। अगर आप देर से खाना खाते हैं या रात में देर तक जगते हैं, ये विशेष तौर पर हम उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो रात में देर तक जगते हैं, उनका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे कि रात में जगने वाले लोग जो कि रात में काम करते हैं, उनको ब्लड प्रेशर की समस्याएं अक्सर हुआ करती हैं। ठीक है, अब अगर बात कहें रोकथाम की कि हम इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं, तो आप अपने खान पान पर सबसे ज़्यादा विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। मोटा अनाज खाइए, सलाद ज़रूर खाइए खाने में, नमक कम रखिए, और फिजिकल एक्टिविटी यानी कि किसी भी प्रकार का व्यायाम, दौड़ना, भागना, टहलना, कोई भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी, कोई भी खेल जो कि बाहर खुले मैदान में खेला जा सके, आप अगर वो करते हैं तो आप ब्लड प्रेशर से काफ़ी हद तक अपना बचाव कर सकते हैं। मीडिया सशक्त माध्यम अपनी बात कहने का, सिनी भारत के माध्यम से आम लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? आम लोगों को हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो आप स्वयं अपना इलाज करने की कोशिश ना करें कि मैं दवाई नहीं खाऊंगा और मैं अपने आप से ब्लड प्रेशर को ठीक कर लूँगा, इस चीज़ का आप अपनी तरफ से ना वो करें। हाँ, आप फिजिकल एक्टिविटी करिए, योग कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, आप अपने खान पान को चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो डॉक्टर की सलाह लेना अनिवार्य हो जाता है। अपना ब्लड प्रेशर नियमित रूप से चेक करवाएं और डॉक्टर की सलाह अवश्य लें, क्योंकि ब्लड प्रेशर आपको सिर्फ एक बीमारी नहीं करता, वो अन्य बीमारियों को बढ़ाता भी है और करता भी है। तो हो सकता है कि वो साइलेंटली आपके गुर्दे को या आपके ब्रेन को या आपके हार्ट को, इन सब जगहों को या आपके फेफड़ों को बेकार कर रहा हो, उनको नुकसान पहुँचा रहा हो, और जिसका कि आपको पता ना चल पा रहा हो, बाद में अगर जब पता चलता भी है तो काफ़ी समय बीत चुका होता है। तो हमारी सलाह यही है आम जनता को कि अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित रूप से चेक करवाइए, अपने खान पान पर ध्यान दीजिए, अपनी दिनचर्या पर ध्यान दीजिए और डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। तो ये थे बेल केयर हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर अनुपम चौहान। इन्होंने यहाँ पर
ब्लड प्रेशर के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी। बचाव कैसे करना है, जो भ्रांति हैं, जो मिथ हैं वो भी बताई कि यहाँ पर नमक और चीनी के घोल की भ्रांति भी चल रही है, केवल चुटकी भर नमक से भी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित किया जा सकता है, पर यहाँ पर खुद नहीं करना है। अगर ब्लड प्रेशर की समस्या आपको हो रही है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है, क्योंकि ये बीमारी आने वाले समय में आपको तमाम बड़े बड़े रोगों से ग्रसित कर सकती है, जान भी ले सकती है। इसलिए ब्लड प्रेशर को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और डॉक्टरों का परामर्श जरूर लेते रहें। तो अभी के एपिसोड में इतना ही, देखते रहिए सुनील भारत, नमस्कार।